क्या बात है। सो, आप सभी के हल्लाओं के बीच में यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी, यश रॉक स्टार केजीएफ। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी का जो शोर शराबा है वो बना रहना चाहिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर अ रॉकिंग एंट्री। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए कितने लोगों को मजा आया देखने में। नहीं, जोरदार वाला शोर जैसे हम देखते आ रहे हैं। आप सभी का जो शोर है वो 1 2 3 एंड गो। कम ऑन एवरीवन, दैट्स माय ऑडियंस टुडे। आई रियली लव दिस यू ऑल। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए गोविंदा को कितने लोग पसंद करते हैं? गोविंदा को सभी इस साइड वाले। यार देखिए, पहले तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है कि आप लोग पीछे नहीं जा रहे हो, और अगर आप लोग शोर नहीं बचाओगे ना तो आप लोग हम ऐसे ही पीछे ढकेल देंगे। तो जब तक शोर नहीं बचाओगे तो शोर मचाओगे तो यहीं पर रुकना पड़ेगा, और नहीं बचाओगे तो पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात है इस वाले। ओके, गोविंदा को देखने के लिए आई नो यू ऑल आर सो एक्साइटेड। आप सभी लोग बैठ जाइए, जैसे ये लोग बैठे हुए ना सभी बैठ जाइए ताकि पीछे वाले देख पाए। सिट, जो बैठ सकता है बैठ जाइए। तो यहाँ पे आप सभी के मौजूदगी में गोविंदा जी को मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी के तालियों के बीच। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। ओके एवरीवन, इंतजार करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत ही दमदार एंट्री होगी। तो एंट्री के लिए जैसे ही वो हमारे बीच आते हैं, आप सभी का जो शोर शराबा है वो
आप सभी, यहाँ पे आप सभी के तालियों के बीच मैं सुनील कुमार जी को बुलाना चाहूंगी फॉर सिंगिंग के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज सुनील कुमार जी। ऑलराइट, कहते हैं दोस्तों, हेलो, ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता। हमारे बीच हमारे संजय सर ना होते तो शायद ही हमारे ऑडियंस का गुजारा ना होता। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे संजू सर हम सभी के लिए उपस्थित हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पे हम सभी का वेट हो चुका है। हम सभी ने काफी सब्र किया, लेकिन जो हम सभी के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते, उपस्थित रहते हैं, वरदान की तरह रहते हैं, तो संजू भैया हमारे बीच आ चुके हैं। उनके लिए एक बार जोरदार हल्ला जाए। और सभी के फोन का टॉर्च ऑन हो जाना चाहिए। फोन का टॉर्च, आप सभी के फोन का टॉर्च ऑन हो जाए। आनंद आ रहा है? 17 आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये टेंट वाले भैया जो भी हैं, ये वाला पर्दा खुलवा दो। टेंट वाले, अरे खुद ही खोल लो यार पर्दा, ना खोले तो सब तुम्हारा है। इधर भी, ओ बालिका वधु कहाँ चढ़े हो बेटा, पर्दा खोल के नीचे कर लो। तुम भी, इतने तो काले मुंह के बंदर था, कौन मेरे का है रे? देखा ना हुई वतर भी देखा, हिन देखा, चारों कहीं चढ़े बंदरास। खोल लो सा पर्दे पर्दे, ये पापा की बिरुली है बाबूजी की, यानी ये आप सबकी बिरुली, आप सबका घर है, सब पे आपका अधिकार है। बहुत देर से अंदर था मैं, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा जब तक दर्शन न कर लूं आप सबके, एकदम रहाई नहीं पड़ी थी, लेकिन क्या करें, बहुत से रिश्तेदार, कोई जा रहा कोई आ रहा, वही में अर्जे रहे हूं। अभी सबसे पहले तो भैया 2023 का नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, आप सबको बाबूजी की बिरुली और परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदार के ऊपर, आपके गांव नगर के ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर, हमारे जिले के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर और हमारे देश के ऊपर रहे। और ईश्वर की कृपा ऐसी रहे कि सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आगे बढ़ें, दिनों दिन तरक्की करें। और भगवान कसम, कोरोना अब ना आने पाए, बस यही चाहते हैं। सब खूब खुश रहो, आगे बढ़ो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अभी आवाज नहीं आई, हमारे जैसी बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर, तालियां। ऐसे ही नए वर्ष का स्वागत हर्ष उल्लास के साथ करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में हैप्पी आने सुख नहीं मिलेगा। तो ईश्वर की कृपा के लिए नए साल का स्वागत हम करते, बोलो गणेश भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की, शारदा मैया की, काली मैया की, हनुमंत लाल महाराज की, हमारे सारी माताओं की, हमारी प्यारी बिटियाओं की, सारे बहनों की और सारे बुजुर्गों की भी। चुनाव का साल है यार,
सही। इस साल नवंबर में चुनाव है, बहन ने तो आशीर्वाद दे दिया, माँ की कृपा का हाथ तो मेरे सिर पे हमेशा रहता है, इतनी माँ का, बुजुर्गों को भी हमने प्रणाम कर लिया, लेकिन जो लड़के हैं ना, अगर इनको सेट नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। तो बोलो मेरे सारे युवा भाइयों की सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और भगवान करे आप लोग खूब आगे बढ़ो, और मुझे ईश्वर इतनी ताकत दे, इतनी क्षमता दे, और सिर्फ अर्थ संपन्नता सिर्फ इतनी चाहिए जितने में मैं गरीब के आंसू पोंछ सकूं, मरीज का इलाज करा सकूं, बेटियों का ब्याह कर सकूं, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर सकूं, क्षेत्र के लोगों का, प्रदेश के लोगों का, नगर के लोगों का मैं भला कर सकूं, मुझे सिर्फ इतना सामर्थ्य चाहिए और यही आशीर्वाद। क्योंकि देखिए, ईश्वर एक जहां मूर्ति के रूप में विराजमान है मंदिरों में, दूसरे साक्षात ईश्वर घर में विराजमान है माता और पिता के रूप में, और हमारे लिए पहले, दूसरे और तीसरे जो ईश्वर स्वरूप हैं वो हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं। आप सबके कृपा का आशीर्वाद आपके इस बेटे संजय पाठक के ऊपर सदैव रहे, ताकि मैं जीवन पर्यंत, जब तक तन में सांस है और शरीर चले, आप लोगों की सेवा योग्य बना रहूं। बस यही आशीर्वाद आप सबसे मांगता हूं कि सबको आशीर्वाद दीजिए कि सेवा योग्य बना रहूं, सेवा करता रहूं आप सब। अच्छा, अभी ये बताओ, सही सही, संजू भैया से तो अपन लोग मिलते रहते हैं, कहीं गांव में मिल लेते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, जहाँ लाख फंसती वहाँ मिल लेते हैं, ये गोविंदा को देखने के चक्कर में आए हो का? अबे नकली आए, असली वाला तो टोकरा होगा है। लेकिन प्रोग्राम में आनंद आ रहा है, जगह कम पड़ गई, हम सोचे यार सबसे बड़ा वाला डोम कर देते हैं, इस बार शायद थोड़ी भीड़ कम आएगी, ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले आज लोगों ने, इतनी ज्यादा लोगों का उत्साह, प्रेम उमड़ पड़ा कि हमारी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। और भगवान ऐसी करे हमारे साथ, हम इससे चार गुना बड़ा बनाएं, चार गुनी बड़ी व्यवस्था करें, लेकिन चार गुने ज्यादा लोग आशीर्वाद देने आए, और हर साल मेरी व्यवस्था ध्वस्त हो और हर साल हम उसको चार गुना बढ़ाते जाएं, इसी में तो आनंद आता है। वरना क्या मतलब कि 50 कुर्सी लगी है, 100 लोग भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है आपका प्रेम है जो आप सब यहाँ पर आए, फिर से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। और एक बात और आखिरी पूछ लेता हूँ, हर साल 3 जनवरी को अपन यहाँ पे बाबूजी की बिरोली में वन भोज का आयोजन रखते हैं, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन हर साल ये प्रश्न नहीं करता मैं, और ये इस साल मालूम है कौन सा साल है, किसी को मालूम है कितने साल हो गए वन भोज करते हुए? 38 साल। किसी को अंदाजा हो तो बताओ। बच्चा बोल दिया 38, बिटिया बोल दी 38, 38 वर्ष हो गए यहां पर वन भोज करते हुए, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ के पेट में भी आए थे यहाँ पे, और आज वो 38 साल के हो गए हैं। तो ये रिश्ता हमारा और आपका जो है ना, ये आज का नहीं है, ये 3 पीढ़ियों का रिश्ता है, और ये जो संबंध है ना, आप में से कितने लोग मुझे विधायक मानते हो, हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, एक हाथ नीचे करो। कितने लोग अपना संजू भैया मानते हो, सही में हाथ खड़ा करो। तो भैया हूं ना, विधायक तो नेता होते हैं, मैं तो बेटा हूं ना, भाई हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हर साल ये प्रश्न नहीं करता जो आज प्रश्न कर रहा हूं। क्योंकि देखो भाई, 5 साल, 38 साल,
तो वन भोज चलता है। और एक बात और बता दूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुन लीजिए, जब तक आप हैं और हम हैं तब तक नए साल में बिरूली 3 जनवरी को आते रहना है। सभी आते रहेंगे जीवन पर्यंत। एक काम और करना यार, जब आप डुकरा हो जाओ, घुटना उठना बिल्कुल ना चल पाए और हिम्मत ही ना बचे आएगी, तो अपने लड़का बहू को भेजोगे, भेजोगे कि नहीं? ये देखो हाथ खड़ा कर रहा है, शादी हुई नहीं है, गाने की उम्र नहीं आई, हाथ खड़ा कर, हाँ भाई जब भेजूंगा, खुदा ही नाती बराबर अभिन है। जैसे पीढ़ियों से संबंध चला आ रहा है वैसे पीढ़ियों तक से संबंध चले, ये तो हो गए परिवार की बात। अब इसके बाद हम आपके और कलाकारों के बीच में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे जहां जहां भोजन चल रहा है वहां पे भी जाना है। जीवन पर आप लोगों की सेवा किया करते जा रहा हूं। इस साल जो बीत गया, अपने विजय राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र ने एक इतिहास रचा है। कौन सा इतिहास रचा है मालूम है? जो बरीन पर ने कैंप लगाया था मेडिकल कैंप, चिरायू मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, जिसमें 1,05,000 लोग आए थे। कितने आए थे? 1,05,000 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 68,000 लोगों का निशुल्क इलाज हुआ और लगभग 3,800 लोगों के गंभीर और बड़े ऑपरेशन यहां से भोपाल भेज के कराए गए। जाने आने, रुकने रहने, खाने, दवा, इलाज, ऑपरेशन सब निशुल्क। ये रिकॉर्ड बना है भारत के अंदर सबसे बड़े कैंप का, सेवा का इससे बड़ा कैंप एक बार लगा आज से 18 साल पहले कहीं पे, जिसमें 1,20,000 लोग थे और अपने कैंप में 1,05,000 लोग थे। अब एक और मेडिकल का कैंप मैं अभी लगाने जा रहा हूँ, और वे जो कैंप लगा रहा हूँ, चिकित्सा शिविर, महाचिकित्सा शिविर, इसको कह सकते हो चिकित्सा महाकुंभ, और इसमें 100 से ऊपर डॉक्टरों की टीम आएगी और लगभग उसमें 70 से ऊपर देश भर से अच्छी चुनी हुई महिला चिकित्सक और लगभग 40 बच्चों के डॉक्टर, जो देश के चुनिंदा डॉक्टरों में से छांट के लाएंगे। यानी 100-125 के आसपास ऐसे डॉक्टर जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो ये जो अब अगला कैंप लगाने जा रहा हूं, इस कैंप का नाम है मदर एंड चाइल्ड केयर, यानी माँ और बच्चा। ये माँ और बच्चे के लिए कैंप रहेगा। तो माँ और बच्चे में क्या होता है, माँ भी होती है, दादी भी होती है, बहन भी होती है, बिटिया भी होती है, क्योंकि बिटिया भी आज छोटी है, बच्ची है, लक्ष्मी स्वरूप है, देवी स्वरूप है, कल बड़ी होगी, थोड़ी बहन बन जाएगी, फिर और बड़ी होगी तो किसी की पत्नी और किसी की बहू, और फिर उसके बाद वो भी किसी की माँ बनेगी। इसलिए माँ और बच्चे का एक कैंप लगाने जा रहा हूँ, ताकि महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती हैं, अब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसका जानकारी नहीं होती महिलाओं को, जानकारी के अभाव में वो ऐसी दिक्कतें बढ़ती हैं कि कहीं बच्चा दानी को ऑपरेशन कराना पड़ता है, कहीं पेट के अंदर का कुछ ना कुछ। इसलिए महिलाओं के लिए कैंप लगाने जा रहा हूं, और मेरा ये प्लान है कि मैं अपने विजय राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब कैंप लगाऊं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के 350 गांव में ऐसा कोई गांव ना बचे जिसकी कोई भी माँ, बहन, बेटी, बहू अगर कोई भी तकलीफ हो उसको दूर ना करा दूं। तो ये कराने के लिए अगला कैंप लगाने जा रहा हूं, उसमें आप सारे सहयोगियों का आवश्यकता पड़ेगी। सब अपने अपने घर से, परिवार से, गाँव से ऐसी माँ बहन बेटियों को जरूर लाएंगे उस कैंप में। इसके साथ अब बड़ी उपलब्धियों के रूप में, जिसके लिए मुझे बहुत गाली पड़ती थी, बगैया नदावन होते हुए वरन महंगवा खेतौली रोड,
का भी निर्माण चालू होने वाला है, 45 करोड़ की लागत से वो रोड बनने जा रही है। तो बड़े बड़े काम तो बहुत हो गए और होते जाएंगे, जीवन भर करते रहेंगे अपन, अस्पतालों का विकास ये सब करते रहेंगे। लेकिन अब अंतिम प्रश्न और उसका जवाब चाहिए आप लोगों से। ये जो खड़ी बहन जी हमारी, ये यहाँ पे ये लाल लाल चमक रही है जो, सुनो एक प्रश्न है हमारा। 2023 है, चुनाव का साल है, मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहता हूं, इस साल फिर से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? चुनाव लड़ना है मुझे, फिर से विधायक बनाओगे? एक बार जोर से हाथ उठा के आवाज देकर बताओ तब मानूंगा। कितने लोग बनाने तैयार हो? ये नहीं तैयार है तक कहा नहीं हाथ उठाए रे, खटिया खड़ी कर दो, सब उठाए यहां, तुम उठा चल। ये कहता भैया मैं तो लाइट वाला हूं, जबलपुर से आया हूं, तुम्हें वोट ही ना दे पाऊंगा यहां पे। आप सब तैयार हैं सेवा का एक अवसर और देने के लिए? जब अगर आप तैयार होंगे तो ही मैं लड़ूंगा, नहीं तैयार होगा तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, चाहे पार्टी बोले और चाहे फिर कोई बोले, मैं तब तक तैयार नहीं होगा चुनाव लड़ने के लिए जब तक मेरी माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे, जो सामने बैठी है मेरी बेटी और मेरी बहन, जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी मैं तैयार नहीं होऊंगा। और ये जो मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, जो मेरे चुनाव को जिताने वाले हैं, जब तक ये हाथ उठा के नहीं बोलेंगे, ये नहीं उठा के बोलेंगी, वो नहीं उठा के बोलेंगी, मैं नहीं लड़ूंगा। एक बार आखिरी बार, चुनाव लड़ना है फिर से जिताओगे? पक्का? सही में? खाओ भगवान कसम। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ऊपर, ईश्वर की कृपा बनी रहे और प्रोग्राम स्टार्ट करिए। नहीं 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 संजू भैया प्लीज आ जाइए ना। मैंने एक चीज पता चली अभी कि हमारे संजू भैया जो है ना वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, और आज संजू भैया आप सभी के लिए गाना गाने वाले हैं, सिर्फ आपके फरमाइशों पे और सिर्फ एक ही बात पे कि अगर संजू भैया लड़ेंगे और आप सभी उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद, अपनी मोहब्बत दोगे, तभी जाके आप सभी के लिए वो गाना गाएंगे।